ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ऐसे नहीं माशाल्लाह अभी तक हमारे ऊपर नाजिल। इसहाक डार साहब है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, अगर वाकई उन्हें बहुत शौक था ना पार्लियामान की बाला दस्ती का, कहते जनाब आप ये स्टेट बैंक के इसको क्यों मुला रहे हैं, आखिर खबरें टिक्कर चल रही थी, वहां पहुंच जाते चेंबर और कहते जनाब आई एम मिनिस्टर इन चार्ज, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, पहले यानी मेरी आगे से कह रहा था आउट यू गो, व्हाई आर यू, नहीं तो सर वो बेइज्जती करवा के आ जाते, कम से कम नजर तो आता ना। देखिए आई एम सॉरी, आप ये इस वक्त ऑन एयर मुझसे सवाल कर रहे हैं, ठीक, आपको कल को कोई अथॉरिटी जो है आपके प्रोड्यूसर को समन कर ले, आप कहेंगे भी सवाल तो मैंने किया था, इतनी जुरत भी नहीं दिखाएंगे आप, उन्होंने क्या किया करा लो, आपको पता शुरू से सेफ सेफ खेलते हैं, और नहीं सीधी सी बात है, नहीं मकाम साहब को शायद ना पसंद आए, उसके बाद उन्होंने यही नहीं किया, पसंद आया उन्होंने क्या काम आ रहा है, अच्छा रूहानी कुवत लेने वो चले गए एमडी, अब ये भी हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा खतरा हो दुनियावी मामले, तो वो उनके साथ वापस भी लंदन जा सकते हैं। सो व्हाट इज योर पॉइंट? सर मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने इंतहाई चलाकी होशियारी लाहौरी गलियों की महारत दिखाते हुए शबाज शरीफ ने भी और कबीरा ने खुद को बचाया, अरे साढ़े काम नहीं जी सब पे बालादस्त फैसला करे, अब अगर तोहीन अदालत होनी है आप मेंबर है खजाना की कमेटी के चेयरमैन तो ये बेचारा अपने मेरे सामने विक्टिम है मैं बाकी और जिन्होंने आज नहीं नहीं ना मंजूर आइस की तो आवाज ही नहीं आई ना कोई खजाने, उन्होंने बड़े आराम से अपनी दिन छुड़ा के काकची अल्लाह दे पा, आजाद साहब कहते हैं कि यही प्राइम मिनिस्टर इसी तारीख को पैसे दे के इलेक्शन करवाएगा 14 मई, जो है इट्स अ डेट कार्व्ड इन स्टोन। ठीक है जी, चौहान साहब के बारे में तो मैं बहस नहीं करना चाहता, नहीं अभी हमें करनी नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, तो अब तजुर्बे से उन्होंने ये सीखा है कि चीफ जस्टिस को जो है वो पेट्रियार्कल निजाम के तहत उसको सख्त गिर उस्ताद होना चाहिए, यानी बाप होना चाहिए, मर्द की तरह एक्ट करना चाहिए, माँ की तरह, जो सोने का नवाला ना खिलाए लेकिन शेर की आंख से जरूर देखे। एक ही मुल्क के अंदर दो सूबे हैं, दोनों के अंदर पाकिस्तान की शहरी आबाद है, एक सूबे के इंतखाबात, नुसरत इसकी क्या वजह? तो नुसरत एक सीधी सी बात है कि वो जो एक आपको अंधा नहीं कर देती नफरत और अकीदत, मिसाल के तौर पर जैसे मैं एज नुसरत जावेद मैं बरमला ऐलान करता हूँ कि मेरी दानिश में राइट और रॉन्ग वट एवर रीजन्स, जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ ये तहलील हो गई तो उनके तहलील होने के 90 दिनों बाद इलेक्शन होना जरूरी था, मैं ज़ाती तौर पर इसके मुखालिफ राय ही नहीं रखता, ठीक, लेकिन इस सवाल को जिस अंदाज में उठाया उस पर एतराज नुसरत जावेद ने तो नहीं किया ना, जज साहबान ने क्यों इज्जत माफ जज साहबान के साथ चार ने किया ना सर, मैंने तो नहीं किया, तफसील के साथ किया, अच्छा मुझे तो एज पाकिस्तानी जैसे मूसा ने कहा ज्यादा बात ये परेशान हुई कि अगर जज साहब आइन के तहफ्फुज़ को डट ही गए हैं तो ये सहूलत यानी पंजाब ही को क्यों, क्या खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो सौतेली औलाद है, चूंकि अभी पूछते हैं ना इनसे, नहीं एक सीधी सी बात है उनको ये तहफ्फुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा आइन का तहफ्फुज़। दूसरी मेरी फिक्रमंदी ये है कि बंदियाल साहब को अल्लाह जिंदगी दे, अगर उन्हें आइंदा 10 साल तक रहना होता चीफ जस्टिस तो मैं बहुत खुश होता, नजर बजाय उन्हें सितंबर में इस ओहदे से रिटायर हो जाना है, और उसके बाद मुझे तासुर ये दे रहे हैं कि मुझे आइन का मुहाफिज चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर तब तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि नजर बजाय तो यही आ रहा कि बाकी जितनी तो सर मेरी तो पता नहीं उम्र कितनी रह गई है उसमें मुझे तो आइन का तहफ्फुज़ और एहतराम ना 2 महीने के बाद होता है नजरें, क्योंकि कोर्ट का सेंटीमेंट इज वेरी क्लियर। मैं आपको जान की अमान बाते हुए कि अगर जस्टिस साहब को वाकई ये महसूस हुआ कि मेरे अहकाम की तामीर नहीं हो रही तो उनको बराह रास्त रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अफसरान को तलब कर। देखिए अगर यही बात हो तो कल को अगर ये मसला आए कि जी वो सिक्योरिटी के लिए लोग यानी कि मुयसर नहीं हैं, वो कहेंगे जी कि फलां सेक्टर पे तो हम लोग नहीं हटा सकते तो वहाँ के बंदे को बुला लेंगे, उन्होंने कहा तमाम इदारे जो है वो ताबे हैं, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं ना, को भी हमें पता है सर के पानी कहाँ गिरता होता है, छोड़ा करें ना आखिर, यानी कि यही जिंदगी गुजारी है लिस्सी सामी ने कुसुन मार। अच्छा इन्होंने करना क्या है, देखिए जी जाए वकुआ जो होता है ना जाए वारदात, वहाँ पे तो जो फिनेंशियल अदरवाइज जार हैं डार साहब वो तो मौजूद नहीं, वो तो अल्लाह के घर पहुंचे होंगे, ठीक ठीक है ना सर। अब रह गए शहबाज शरीफ साहब,
उन्हें तो कुछ नहीं कहा ना। कायमा कमेटी के आगे ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये टॉक शोज में जब मेरे और आपके मेहमान होते हैं ना, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने कुछ अपने अपने हलकों में 3400 बंदों के खिलाफ जाली मुकदमात करवाए होते हैं और 3400 बंदों को जाली मुकदमात से बचाते हैं। इन्होंने किया क्या है, खुद पीछे हटके इन्होंने वो जो गन आई थी ना चीफ जस्टिस साहब की, वो स्कैटर कर दी गई। लेकिन ये इफेक्टिव इसमें और नहीं, ये इफेक्टिव है ना? क्या आप चीफ जस्टिस साहब पहले स्पीकर को तलब करेंगे कि मुझे बताओ कि कितने लोगों ने हाँ में वोट दिया? भाई किस बुनियाद पे? अभी तक नुसरत, उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके तहत उन्होंने काम किया है? वो जो अभी बिल की बात कर रहे हैं, जो तो बिल बना नहीं, उसको इनबेंस कर दिया। अगर वो सारे प्रोसीजर को यकतरफा रखते हुए, ठीक है ना, उसके बावजूद 14 मई तक ना पहुंचे हम, तो उसके बाद क्या होगा? दूसरी बात यह है कि फर्ज करें वो स्पीकर को बुलाएं, वो ये कहें कि यू कांट समन मी फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस, उस पर फिर तो इन्हें अदालत का नोटिस जाएगा। इमरान खान साहब को जो शख्स पसंद नहीं है, कल को जब वो चीफ जस्टिस बनकर सुप्रीम कोर्ट ले रहा होगा तो इमरान खान भी कह रहा होगा कि हाय नीचे वाले से पूछना था ना साथ, लेकिन आज उसको शूट कर रहे हैं। हम लोग अपनी छोटी बोटी के लिए ना बकरा दिबा कर देते हैं अगले का, और हम सोचते भी नहीं है कि इसका क्या हो रहा है, और कल को जो गड़ा हम खोदते हैं ना किसी के लिए, दूसरा गिरता है। दूसरा इसको वापस है बैड जजमेंट, उस वक्त इंतखाबात हो जाते हैं, तो जो मूसा जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, डायनामिक वाज डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज ऑफ बैड जजमेंट्स है। हुकूमत खड़ी हुई थी, एमएलए ऊपर से, असेंबली का जो इलेक्शन होता है ना मेरे भाई, उसकी डायनामिक्स ही और होती है। यानी वो इस बात कर देते यार जी आज बुजदार के जाने बड़ा चंगा काम हुआ, प्रेज लाइक इमरान खान साहब का हुक्म है कि जी जो भी है अफसर करेगा, और इमरान खान लड़ नहीं रहा था खुद यार तेरे सामने, और मैं तेरे सामने यार दो बार डीसी ने फोन किया यार, उन्हें चुके ही नहीं। तो आपके ख्याल में ये इतने घाघ लोग हैं जो आपने कहा कि 3400 केस करवाते हैं, इनको नजर नहीं आ रहा, घबरा गए वो जो जिमनी इलेक्शनों के आए थे ना नतीजे, उनसे ये वो इनको फायदा दे जाते, लोग एक दफा वोट दे चुके थे, ये घबरा गए या वो घबरा गए? नहीं शब, ये दोनों बात, दोनों बात ये नहीं है वो सिर्फ इमरान नहीं है, नहीं नहीं हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो भी आपको कहा गया था कि वो भी और उनके पसंदीदा मैनेजर। तो नुसरत अगर ना हुआ 14 से 15 तो फिर हो गया, तो फिर क्या बनेगा कोर्ट का? ऑलरेडी कह रहेगी नहीं, वैसे जिले बहुत बहुत 8 जज तो साथ है ना, ये अगर ना हुआ तो कैसे होगा फिर? इसी में ही भी ज्यादा गुंजाइश है कि दे वुड गो फॉर ओवर किल। ओवरकिल, ये देखे ना, अब इस वजह जिस तरफ मैं नुक्ते पे लाना चाह रहा था, आप प्रोसीजर के मुताबिक चल रहे हैं, आप मंतक के मुताबिक चल रहे हैं, हम कह रहे हैं जो स्टेक्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि उसने किसी ने नहीं देखना कि वो कुर्सी चला रहा है या टेबल चला रहा है। ये बात ये अब रेसलिंग का अखाड़ा बन गया, ये मैं कुर्सी आ रही है आपकी तरफ, आज के फैसले को देखते हुए ये बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और खत्म होनी चाहिए मुल्क के मफाद में, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप वैसे पुरउम्मीद है, उम्मीद पर और हकायक पर कि हो जाएगी बात खत्म, या आपके ख्याल में अभी शुरू हो रही है? हो जानी चाहिए, खत्म चाहिए, नहीं असूल की बात ना करें, होएगी कि नहीं होएगी? गिव मी योर गट, यू गिव मी योर गट नुसरत, ये खत्म हो, खत्म नहीं हो रहा ना,